बिल्कुल पहली बार ट्यूशन पढ़ाना शुरू करने वाले हैं, सोच रहे हैं कि चलो इस बार ना ट्यूशन पढ़ाना शुरू करते हैं, कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़ाना शुरू करें, कैसे बच्चे लाना शुरू करें, सारी जानकारी आपको बिल्कुल डिटेल में दूंगी। ये सारे ना बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो कि ऐसे ही आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ वही बता सकता है जिसने ये चीज़ फेस की है या जिसने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। अगर आप बिल्कुल पहली बार ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी टिप्स होने वाले हैं, और अगर आप पहले से ट्यूशन पढ़ाते हो लेकिन आपको लगता है कि आपकी ट्यूशन क्लासेस में हाइक नहीं आ रही है, मतलब बच्चे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, जो बच्चे आते हैं वो चले जाते हैं, तो उनको कैसे रोक के रखना है, तो आपके लिए भी ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, जो भी पॉइंट आपको लगे कि यस ये मेरे काम का है उस पॉइंट का नंबर आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसके बेस में हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, पहला होता है हमारा नेम एंड फेम और दूसरा होता है हमारा मनी। ठीक है, तो इन दोनों ही चीज़ों के लिए हम काम करते हैं, ऑब्वियसली बात है। अब जो ये ट्यूशन वाला बिजनेस है, अब यहाँ पे बिजनेस वर्ड को भी लोगों को बहुत अजीब लगेगा सुन के कि बिजनेस बोल दिया, ट्यूशन तो मतलब एक पवित्र चीज़ है या एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। वेरी गुड, सब कुछ है, आई एग्री विद दिस, लेकिन जब पैसे के लिए हम किसी भी काम को करना शुरू करते हैं तो वो बिजनेस होता है। अगर आप ये चीज़ पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नॉवेल प्रोफेशन के लिए कर रहे हैं, नेम फेम के लिए कर रहे हैं, तो आप बिना पैसों के पढ़ाना शुरू कर दीजिए, आपके पास बच्चों की लाइन लग जाएगी। आई नो कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं करना चाह रहा है, नेम फेम तो चाहिए ही चाहिए, साथ में पैसा भी हम सबको चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ बिजनेस का सबसे पहला रूल है कि कभी भी अपनी पब्लिसिटी करने के लिए या फिर अपने काम के बारे में बताने के लिए हिचको मत, शर्म मत करो। अगर आप शर्म करोगे, छुप के रहोगे, किसी को बताना नहीं चाहोगे, अगर आपको बताने में भी शर्म आ रही है कि हम ट्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप ये भूल जाइए कि आप स्टार्ट कर पाएंगे या आप उसको अगले हाइक तक लेके जा पाएंगे। पहली बात है कि आपको खुद का प्रमोशन खुद से करना पड़ेगा। इनिशियली जब आप नया नया स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको लोगों को खुद से कहना पड़ेगा, चाहे आप खुद से जाके बरवली कहिए या फिर आप अपनी पब्लिसिटी के लिए पैम्पलेट्स लगवा सकते हैं, एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई कमाते तो हम कुछ है नहीं, तो हम एड्स पे या पब्लिसिटी पे कैसे खर्च करेंगे, तो ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ A4 साइज के 4-5 पेपर ले लीजिए और उसके ऊपर पूरी डिटेल्स आप अपने हाथ से साफ साफ लिख दीजिए कि अब मैं कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ या यहाँ पे ट्यूशन क्लासेस अवेलेबल है, और इस तरीके से पूरा एक पैम्पलेट बना के कि आप कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं, वो आप एक तो पैम्पलेट अपने घर के बाहर लगा दीजिए, और इसके अलावा जो भी आपके आस पास में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोगों का आना जाना काफ़ी रहता है, वहाँ पे आप उसको लगा दीजिए। जैसे अपने आसपास में आप किसी मिल्क बूथ पे लगा सकते हैं, या अगर आपके पास में कोई बस स्टॉप वगैरह है वहाँ पे आप लगा सकते हैं, यानी कि जो आपके लोकल लोग हैं वो जहाँ पे सबसे ज़्यादा आना जाना करते हैं वहाँ पे आप उन पैम्पलेट्स को लगा दीजिए। इससे क्या होगा, लोगों को पता चलेगा कि हाँ आप इस एड्रेस पे आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर मेंशन करना बिल्कुल ना भूले। आप देखना कि जैसे आप अपनी पब्लिसिटी करते हैं, अपने पैम्पलेट्स लगाते हैं, तो बड़े आराम से 1-2 बच्चे तो आपके पास ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल मिनिमम मान के चल रही हूँ कि आपके पास ऐसा करने से सिर्फ 2 बच्चे आए हैं। ठीक है, जब ये 2 बच्चे आपके पास आ जाएंगे, फिर आप इन 2 बच्चों से बोल सकते हैं कि अपने फ्रेंड्स को बताना कि हम यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते हैं और कम पैसों में पढ़ाते हैं। ये चीज़ भी आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्राइस अपना आपको डाउन रखना पड़ेगा जब आप बिल्कुल शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने क्लासेस स्टार्ट किए थे तो मैंने भी अपना प्राइस काफ़ी कम किया हुआ था, फिर धीरे धीरे जब आपके पास बच्चे बढ़ते जाए, बच्चों के रिजल्ट अच्छे आते जाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हो जाए, बिकॉज शुरू में उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी नहीं होता कि मैं कितने पैसे मांगूँ, मैं क्या करूँ, इस तरीके की हमारे अंदर ही बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जब आप इन सब चीज़ों से ओवरकम कर जाएंगे ना, पढ़ाते पढ़ाते आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, तो आप अपने प्राइस को भी थोड़ा सा हाइक कर दीजिए। बट इनिशियली इस पर ही आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए कि अपना प्राइस थोड़ा सा कम कर दीजिए और टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ा दीजिए पढ़ाने का। अगर सब लोग 1 घंटा पढ़ा रहे हैं तो आप 1.25 घंटा या 1.5 घंटा पढ़ाइए। यानी स्टार्टिंग के बच्चे जो आपके पास आएंगे वो आपके पैम्पलेट्स के थ्रू आएंगे, उसके बाद जो बच्चे आएंगे वो बच्चों से बच्चे आएंगे, जैसे वही बच्चे अपने फ्रेंड्स को लेके आएंगे कि हाँ भाई मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ तो मेरा फ्रेंड भी इधर पढ़ेगा, इस तरह से 2 से 4, 4 से 6 वो इस तरीके से होंगे। और जब उन बच्चों का रिजल्ट आएगा तो उन बच्चों को देख के, उन बच्चे के रिजल्ट को बता के आप बाकी बच्चों को भी ट्यूशन में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि ट्यूशन क्लास बिल्कुल इनिशियली शुरू कैसे करेंगे। अब बात आती है कि शुरू तो हो गई, 2 बच्चे आ गए, 4 बच्चे आ गए, अब ऐसा क्या किया जाए कि ये बच्चे बीच में से छोड़ के ना जाएं बल्कि और बच्चों को लेके आए। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। आपकी क्लास इंटरेस्टिंग होनी बहुत ज़रूरी है, बच्चों को क्लास में मज़ा आना चाहिए, तो अपना जो आपका ह्यूमर लेवल है ना वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, बच्चों के साथ थोड़ा सा बच्चा बनना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जिनको करने में बच्चों को मज़ा भी आए और वो सीखे भी। ऐसा नहीं है कि आप उनको गेम खिला रहे हो तो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, ऐसा नहीं। अगर आप उनको ट्यूशन में गेम भी खिला रहे हो तो ऐसे होने चाहिए जिससे कि उनका मानसिक विकास हो, यानी कि उनको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले।
साथ में बच्चों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन आप कराते रहिए, जिससे बच्चे एक दूसरे से जुड़े भी रहेंगे और कंपटीशन की होड़ में वो लोग अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके अलावा वीकली बेसिस पे रिवीजन करवाना, वीकली बेसिस पे टेस्ट लेना, ये सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए भी अच्छी हैं, बच्चे को समझने के लिए आपके लिए भी अच्छी हैं। और जब बच्चों को पता होता है ना कि हमारा टेस्ट होने वाला है या हमारा रिविज़न है या इस तरीके से कुछ हमें वर्कशीट कम्प्लीट करनी है, जब इस तरीके के छोटे छोटे टारगेट बच्चों के पास होते हैं तो वो पढ़ाई को लेकर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। इस तरह से जब आपके बच्चों का पढ़ाई पे ध्यान होगा, ऑब्वियसली उनका रिजल्ट भी बेटर आएगा। जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो आप उस रिजल्ट को दिखा के बाकी बच्चों को भी अपनी क्लास में ज्वाइन करवा सकते हैं। तो इन 2-3 टिप्स को फॉलो करके आप अपनी क्लास स्टार्ट कीजिए, और जब एक बार आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और अगर उसमें आप अपना 100% दोगे तो डेफिनेटली बहुत कम टाइम में आप बहुत अच्छा इससे गेन कर लेंगे। आई होप कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।